लालू यादव राउज एवेन्यू कोर्ट इस वक्त पहुंच चुके हैं। आज उनकी पेशी होनी थी, उनके साथ राबड़ी देवी, मीसा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि किडनी का ऑपरेशन हुआ था लालू प्रसाद यादव का और इसीलिए वो व्हील चेयर में आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आज कोर्ट के सामने उन्हें पेश होना था, समन किया गया था। हालांकि इससे पहले जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने लालू यादव से भी पूछताछ की, राबड़ी देवी से भी पूछताछ की और उसके बाद तेजस्वी यादव के घर पर भी पहुंची थी, लेकिन आज जब पेशी होनी है तो कोर्ट इस वक्त लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती इस वक्त पहुंच चुकी हैं। तो लालू, राबड़ी, मीसा राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। अब आगे इनकी राह कितनी मुश्किल या आसान होती है ये आज पता चलेगा। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में पूरा लालू परिवार घिरता हुआ नजर आ रहा है और इस नौकरी घोटाले में आज ये पेशी है लालू यादव की, राबड़ी देवी की, मीसा भारती की। कई आरोप इन पर लगे, पहले केवल 7 नाम ऐसे सामने आए थे और ये आरोप लग रहा था कि केवल 7 ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे उनकी जमीन औने पौने दाम पर खरीदी गई और उनके परिवार में किसी सदस्य को नौकरी दी गई है। ये उस वक्त की बात है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, उसी वक्त इस घोटाले का खुलासा हुआ था और अब ये जांच जो है वो आगे बढ़ी। आज पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और उनकी बेटी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। श्रेया चैटर्जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। श्रेया, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लालू यादव व्हील चेयर पे नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है। थोड़ी देर में ही गीतांजलि गोयल के कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हो जाएगी और जो मामला है वो लैंड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीट फाइल होने के बाद आज पहली बार कोर्ट ने 16 आरोपियों को समन किया है और जब ये सुनवाई शुरू होगी इसके बाद का जो फेज है वो ट्रायल फेज में हम देखेंगे कि कैसे जो चार्जेस इन लोगों पे लगी है उस चार्जेस पे कोर्ट आज सुनवाई शुरू कर देगी। थोड़ी देर में सुनवाई भी शुरू होनी है, लेकिन श्रेया, मुश्किलें लालू परिवार की एक तरीके से कहिए तो बढ़ते हुए, क्योंकि उससे पहले आज पेशी है, उससे पहले ही जांच एजेंसियां घर भी पहुंची, उनसे पूछताछ भी की, राबड़ी देवी भी उसके जद में आई, लालू प्रसाद यादव भी आए, लेकिन आज जो पूछताछ हुई क्या क्या निकला उस पूछताछ में, क्या और ऐसे सबूत इस पूरे मामले में मिल पाए हैं, क्या आज ये एजेंसियां सामने भी रखने वाली हैं कोर्ट में? देखिए बिल्कुल, महज एक हफ्ते पहले ही हमने देखा कि सीबीआई ने राबड़ी देवी एवं लालू प्रसाद यादव दोनों से पूछताछ भी की। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि ईडी की तरफ से छापेमारी में कई ऐसे रिकवरीज भी हुए और इसके अलावा तेजस्वी यादव को भी इस मामले में बार बार सीबीआई की तरफ से समन किया गया है। कल भी उनको समन किया गया था, ये तीसरी उनकी समन थी जिसमें वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो खतरा है वो लालू परिवार के लिए बढ़ रहा है और जहां तक बात हम करें तथ्यों की तो वो दस्तावेज सीबीआई और ईडी दोनों के पास मौजूद है जिसके बेसिस पे दोनों एजेंसी क्लियरली ये दावे कर रहे हैं कि जो स्कैम है लैंड फॉर जॉब स्कैम आईआरसीटीसी में 2004 से 2009 के बीच नौकरी देने के बदले में जो जमीन दी गई थी 1/4 और 1/5 रेट में और उसके बाद इसको पैसे में भी तब्दील किया गया था, उन सारे डिटेल्स इन एजेंसियों के पास मौजूद है और इसी बिहाफ पे हम देखेंगे कि आज से ये सुनवाई जो है वो कोर्ट में शुरू हो जाएगी।